एक लाइन थोड़ा तत्वबोधन में देख लीजिए, तन्निमित्त सेवेति किम, इस पर एक देश आक्षेप भी सूत्र सेवा अयम आक्षेप परिवसन न। 79 पृष्ठ में 79 तन्निमित्त सेवा इति किम पर बोल रहे हैं। ऐसे एक देश पर आक्षेप किया ना, सूत्र का एक हिस्सा पर आक्षेप किया है, लेकिन वह एक हिस्से का आक्षेप का तात्पर्य वास्तव पूरे सूत्र पर ही आक्षेप, इस सूत्र की जरूरत ही नहीं। तब क्या नहीं, ये सूत्र नियमार्थ बनाया गया, ये इसलिए उठाया हमने क्योंकि इसे एक और परिभाषा के आधार पर बात कही, क्योंकि वाहन की अनुवृत्ति कैसे हुई, वो को ही मात्र कैसे अनुवृत्ति कर दिया आपने, ये चाहता ना चो अवमात्र का अनुवृत्ति लाए वांति प्रत्यय कि वहां नियम है क्वचित एक देशोक्त अनुवर्तित है, परिभाषा है, परिभाषा का नंबर है 18वीं परिभाषा, परिभाषाओं में से क्वचित एक देशोक्त अनुवर्तित है, कहीं कहीं पर एक देश की भी अनुवृत्ति की जाती है, तो एक देश की ऐसी अनुवृत्ति हुई थी, अतएव एक देश आक्षेप भी किया इसने, किंतु आक्षेप का तात्पर्य एक देश मात्र में नहीं था, किंतु पूरे ही सूत्र पर आक्षेप था। अब लौटिए, क्षय जय्य शक्यार्थे, क्षय जय्य प्रथमागति वचन, शक्यार्थे सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, यांतादेश निपातनार्थम इदम सूत्र, ये जो सूत्र है यांत आदेश का निपातन से कर रहा आई क्षेत्रम शक्यमिति क्षयम, जेतुम शक्यमिति जयम, शक्यार्थकम, शक्यार्थ क्यों कह रहे हो, क्षेत्रम जेतुम योग्यम इति क्षेयम पापम जेयम मनः, यहां यांत आदेश नहीं हुआ, क्षेयम बना ना, क्षेयम क्षयम नहीं बना, जयम जयम नहीं बना, ये योग्य है, जीतने योग्य है, क्षय करने योग्य है, लेकिन संभव नहीं, आसान है क्या, आसान है, शक्यार्थ नहीं बन पा रहा है, शक्यार्थ का मतलब क्या, संभव होना, आसानी से करना, खेती जोतना आसान है, क्षेत्र शक्यम यदि क्षयम, जो आसानी से क्षय किया जा सके, पैसे को खत्म करने को देर लगता है कि दो मिनट उड़ा दो सारा खत्म हो जाएगा, जितने लाख दो खत्म, और जेतुम शक्यम जया इति बाल वर्मा क्षय जय शक्यार्थे, शक्यार्थे क्षय जय शब्द वाचकतया वर्तेते, शक्य अर्थ में क्षय जय शब्द वाचक रूप से विद्यमान है, इसे समझो, ननु किमपि कार्यम विधेयम अत्र न दृश्यते, लगता है इस सूत्र में कोई भी कार्य को विधान ही नहीं किया जा रहा है, विधान करने योग्य कुछ भी नहीं है यहां, इत्यतः नहीं यांत आदेश पर कार्य है यहां पर, यहां भी कहिए यांत आदेश निपातनार्थ, पहले भी निपातन है, निपातन का लक्षण क्या किया था, सिद्ध प्रकृति निर्देश हो निपातन, वो संक्षिप्त लक्षण विस्तृत ला रहे, प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप से निर्देश निपातन, इसी में से दो शब्द निकाल के पहले संक्षेप बदल सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश, सिद्ध प्रक्रिया से अर्थ क्या है वो पहले वर्णन कर, देखो प्रातिस्विक विधि बिना शब्द स्वरूप का निर्देश करना उसका नाम निपातन, प्रातिस्विक ने जो कार्य आप कर रहे हैं, जैसे या क्या कार्य कर रहे हैं, यान ताजिश कर रहे हैं, यांत आदेश करने के वाला कोई विधि सूत्र को लगाए बिना यांत आदेश कर दिया, जैसे यांत आदेश करने वाला सूत्र कौन था, ये चौवा यावा, उसको लगाए बिना ही आपने यांत कर दो, इसी का नाम निपात है, प्रातिस्विकम माने जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए पाणिनि ने जो विधि बताया था, सूत्र बताया, उसका नाम प्रातिस्विक विधि, ये चौवा यावा वर्तमान प्रसंग में, उसको लगाए बिना जो आपने सिद्ध प्रक्रिया से यांत आदेश को प्रक्रिया सिद्ध करके मैंने शब्द स्वरूप को ही कथन कर दिया, निर्देश कर दिया, इसका नाम निपात है। ततश्च शक्यार्थ के यादव प्रत्यय परे, शक्य अर्थ में आए हुए
ಯಕಾರಾದಿ ವಾಂತಿ ಸಿಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರತಿ ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಗ ಬರೆದಿರುತ್ತೇವೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಜೀಜೆಯೇ ಇದು ಧಾತೋರ್ ಏಚ ಧಾತುಸ್ತನ್ವಿತ ಸೇವಾಗ್ಯ ಧಾತೋರ್ ಏಚ ಐ ಇತಿ ಯಾಂತಾದೇಶ ಸ್ಯಾದ್ ಇತಿ ವಿಧಾನಂ ಅತ್ರ ಫಲತಿ ಯಾ ಪುರ ವಿಧಿ ಸ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಶಕ್ಯಾರ್ಥೆ ಜ್ಯೋರ್ ಯಾಂತ ಇತಿ ಪ್ರಾತಿಸ್ಮಿಕ ವಿಧೌ ಗೌರವಾದ್ ಏವಂ ನಿಪಾತಂ ಇತಿ ಭಾವ ಯದಿ ಹಂ ಕಾತೆ ಛಿಜ್ಜೋರ್ ಯಾಂತ ಸೂತ್ರ ಬನಾತೆ ಈಗ ಸೂತ್ರ ಬನಾತೆ ಛಿಜ್ಜೋರ್ ಯಾಂತ ಲಾಘೌತ ಕಮ್ ಅಕ್ಷರ ಹೋತ ಕ್ಷಯ ಜಯ್ಯೋ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಜಾದಾ ಅಕ್ಷರ ವೈಸೆ ಸೂತ್ರ ಬನಾ ದೋ ಛಿಜ್ಜೋರ್ ಯಾಂತ ತೋ ಅಪನೆ ಅಪ ಕಾಮ ಚಲ ಜಾಯೇಗಾ ಇತಿ ಪ್ರಾಸಿ ವಿಧೋ ಯದಿ ಐಸಾ ಕೋಯಿ ಹಮ್ ವಿಧಿ ಅಲಗ ಸೆ ಬನಾ ದೇತೆ ತೋ ಗೌರವ ತೋ ಗೌರವ ಹೋತ ನಿಪಾತನ್ ಸೆ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಲಾಘವ್ ಹೈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಗೌರವ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಹಾ ಪರ್ ಭಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಛಿಜ್ಜೋರ್ ಯಾಂತ ಮೇ ಅನುವೃತ್ತಿಯಾ ಲಾನಿ ಪಡೆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಬತಾನಾ ಪಡೆಗಾ ಇಸ್ಕಾ ಪದಕೃತ್ಯ ಹೋಗಿ ವೋ ಕ್ಯೂ ನೀ ಲಾಯಾ ಅನುವೃತ್ತಿ ಮೇ ಇಸ್ಕೋ ಹಿ ಕ್ಯೂ ಲಾಯೇ ಬಾತ್ ಉಠೆಂಗೆ ನಾ ದುನಿಯಾ ತೋ ಉಸ್ ಸಬ್ ಸೆ ಬಚ್ ಗಯಾ ಕ್ಷಯ ಜಯ ಶಕ್ಯಾ ದೇ ಸುತ್ರಿ ಸುತ್ರಿ ಬನಾ ಕ್ಷಯಮಿತಿ ಕೃತ್ಯ ಇತ್ಯಧಿಕಾರೇ ಕ್ಷೀದಾತೋರ್ ಅಚೋಯದಿತಿ ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ ಚ ಶಕಿ ಲಿಂಗ್ ಚ ಇತಿ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಶಕ್ಯಲಿಂಗ್ ಚ ಸೂತ್ರದೇ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಮೇ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಶಕ್ಯಾರ್ಥೆ ಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾತ್ ಚಾತ್ ಕೃತ್ಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರಕಾರ್ಥ ಏತ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಲಿಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋ ಔರ್ ಚಕರ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭಿ ಹೋವೇ ಸಾರಧಾತು ಕಾರಧಾತು ಗರಿದಿ ಇಕಾರಸ ಗುಣ ಏಕಾರ ತಸ್ಯ ಅಚ್ಪರಕತ್ವ ಭಾವಾದ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಯಾದೇಶ ಅತ್ರ ನಿಪಾತ್ಯತೆ ಜಯ್ಯಂ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಇತ್ಯಪಿ ಪೂರ್ವದೇವ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಕಿಂ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಕಹನೆಗೆ ಕ್ಯಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಇಸ್ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೈ ಇ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜವಾಬ್ ಕ್ಷೇತುಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತುಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಕ್ಷೇಯಂ ಪಾಪಂ ಕ್ಷಯಣ ಕರ್ಣ ಯೋಗ್ಯ ಹೈ ಕ್ಷೇಯಂ ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವೋ ಪಾಪ ಜೀತನ ಯೋಗ್ಯ ಹೈ ಜಯಂ ಕೌನ್ ಮನ ಇತ್ಯನ್ವಯ ಅರ್ಹೇ ಕೃತ್ಯ ತೃಚ ಅಲಗ್ ಸೂತ್ರ ಸೆ ಕರಂಗೆ ಅಯತ್ ಅರ್ಹೇ ಕೃತ್ಯ ತೃತಶ್ಚ ಇಸ್ ಯತ್ ಸಚ ನ ಶಕ್ಯಾರ್ಥಕ ಇತಿ ನಾತ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಿರ್ತ ಶಕ್ಯಾರ್ಥಕ ನವನಿಗೆ ನಾತೆ ಯಾಂತ ದೇಶ ನೀವು ಅರ್ಹಾರ್ಥ ಮೇತ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಅವತ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ರಯ್ಯಸ್ತದರ್ಥೇ ಕ್ರಯ್ಯಸ್ತದರ್ಥೇ ಸೂತ್ರ ಕ್ರಯ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಏಕ ವಚನ ತದರ್ಥೆ ಸಪ್ತಮಿಗ ಏಕ ವಚನ ದೋ ಪದೋ ವಾಲಾ ಸೂತ್ರ ತಸ್ಮೈ ತದರ್ಥ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ತಸ್ಮೈ ಅರ್ಥ ಇತಿ ತದರ್ಥ ತಸ್ಮೈ ಮನೆ ಕಸ್ಮೈ ತಸ್ಮೈ ಮನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅರ್ಥಾಯ ಇದಂ ಇತಿ ತದರ್ಥಂ ಹಮೇಶ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಥ ಸಮಾಸ ಜಬ್ ಹೋತಾ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ ವಿಶೇಷ ಲಿಂಗತಾಚ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯ ವಾರ್ತಿಕಾಯನ ಲಘುಮೆ ದ್ವಿಜಾಯ ಇದಂ ಇತಿ ದ್ವಿಜಾರ್ಥಂ ದ್ವಿಜಾಯ ಅಯಂ ದ್ವಿಜಾರ್ಥ ದ್ವಿಜಾಯಂ ದ್ವಿಜಾರ್ಥ ಆಯತ ದ್ವಿಜಾರ್ಥ ಪಯ ದ್ವಿಜಾರ್ಥ ಯಾವಾಗು ದ್ವಿಜಾರ್ಥಂ ದ್ರವ್ಯಂ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಥ ಹೋದ ಇಯಂ ವಿಗ್ರಹವಾಗೇ ಇವ ತಸ್ಮೈ ಇದಂ ಇತಿ ಇದಂ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಯ್ತವ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಥ ತತ್ಕ ಸಮಾಸವಾಯ್ತು ಅಸ್ವಪದ ವಿಗ್ರಹ ಹೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಸಾಧು ಸ್ವಪದ ಹೋಗ್ಯ ತಸ್ಮೈ ತದವರ್ಗೆ ರಖ ಲಿಯಾ ಆಪನೆ ಇದಂ ಕೋ ನೀ ರಖ ಇದಂ ದನ್ಸು ಕುಚ ಕ್ಯಾ ರಖ ಆಪನೆ ಅರ್ಥ ದನ್ಸು ಅಸ್ವಪದ ವಿಗ್ರಹ ಕ್ಯೋ ನಿಗನಾತೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ ದೋ ಹೈ ನಾ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾ ಅಸ್ವಪದ ವಿಗ್ರಹ ಅವಿಗ್ರಹ ವಾ ನಿತ್ಯೋ ಸಮಾಸ ಯಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ಸಾಧೆ ಸಮಾಸ ತದರ್ಥೆ ಇಸ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಜೋ ವೃತ್ತಿಕಾರ ಪದ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥಾಯ ಇದಂ ಇತಿ ತದರ್ಥಂ ಎ ಸಮಾಸ ಕ್ರೇತಾರ ಕ್ರೀಣಿಯೋರಿದಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಪಣೆ ಪ್ರಸಾರಿತಂ ಕ್ರಯಂ ಮಾಲ್ ಭಿ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೋತಾನೆ ಹರ ಆದ್ಮಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಲ್ ಹೋತಾ ಇದೆ ದುಕಾನ್ ಫೈಲಾದಿ ಹೈ ಬೇಚನೆ ಕೇ ಲಿ ಆಓ ಖರೀದೋ ಔರ್ ಮಾಲ್ ಹೋತಾ ಗೋದಾಮ್ ಮೇ ಪಡಾ ಹೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇ ದೋನೋ ಹಿ ಬೇಚನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ವೋ ಭಿ ಬೇಚನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ರಖಾ ಪೂಜಾ ಥೋಡಾ ಕರನಾ ಉಸ್ನೆ ಉಸ್ಕೋ ರಖ ಕರಕೆ ವೋ ಭಿ ಬೇಚನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಲೇನಾ ಅಬ್ ಯಹಾಂ ಫೈಲಾವಾ ಹೈ ವೋ ನಹೀ ಹೈ ದುಕಾನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಆಕೆ ಲೇ ಮಂಗೇಗಾ ತೋ ವಹಾಂ ಸೆ ಮಂಗಾನಾ ಪಡೆಗಾ ಉಸ್ಕೋ ನಾ ದುಕಾನ್ ಮೇ ಜೋ ಸಾಮ್ನೆ ದಿಖ ರಹಾ ಹೈ ವೋ ತೋ ತುರಂತ ಉಠಾ ಕೇ ದೇಗಾ ಔರ್ ವೋ ಬಾದ್ ಮೇ
जैसे यहाँ के माल खाली हो गए वहां के माल आएंगे, वो बेचने योग्य है वो, और बेचने से तुम्हें पैसा मिल रहा है, ये तदर्थ है, क्रयणार्थ है, बेचने के लिए ही दुकान में रखा गया है, और वो तदर्थ नहीं है, तद योग्य है, दोनों में अंतर है। तो यहां रखे हुए का नाम क्रयम और वहां रखा हुआ का नाम क्रेयम बनेगा, वहां पर ज्ञान का देश नहीं होगा। डुकरी द्रव्य विनिमय धातु है ना, द्रव्य का विनिमय करने अर्थ में वहां क्रेयम बने, गुण हो जाए क्रेयम बनेगा, ज्ञान का देश नहीं होगा। वही कह रहे हैं, व्याख्या समझा रहे, क्रेता रह खरीदने वाले लोग खरीद लेवे क्रीनियो हो इति बुद्धिया, ऐसे मन बना के निश्चय करके आपने दुकान में प्रसारितम, दुकान में जो फैलाया हुआ है उसका नाम क्रेयम, उस अर्थ में यहां पर यांता देश हुआ, क्रेयम अन्यत, क्रेयम अन्यत कर दिया। क्रेयम अन्यत का मतलब क्या, वो भी वह कर रहे क्रेण आरम इत्यर्थ, क्रेण करने योग्य हो, तत्काल क्रेण नहीं हो सकता, क्रेण करने योग्य मात्र होता है, क्रेयस्तदर्थ है। इदम अपि यांतादेश निपातनार्थम, ये सूत्र भी यांतादेश का निपातन करने के लिए। तदर्थ शब्द हम व्याचे, तदर्थ शब्द सूत्र में है उसके व्याख्यान कर रहे तस्मी इत्यादि से। क्रय शब्द यह क्रीणातु, प्रकृति कौन है, क्रय शब्द में जो प्रकृति डुक्रिय द्रव्य में धातु क्री धातु हो, यत प्रत्यय प्रकृतिभूता, जो यत प्रत्यय वहां प्रकृतिभूता है, तस्य यो अर्थ, उसका जो अर्थ है उसका नाम तदर्थ, उसका अर्थ क्या है, अभिधेय अर्थ क्या है उसका, द्रव्य का विनिमय, द्रव्य विनिमय रूप क्रय स, उसका नाम प्रकृति अर्थ, तत्शब्देन विवक्षित, उसको सूत्रस्थ तदर्थ में विद्यमान जो तत्शब्द के द्वारा विवक्षित है। तस्मै इदम् इति तदर्थम का मतलब क्या हुआ, क्रयार्थम वस्तु, तथा च क्रयार्थे वस्तु निगम्य क्रीधातु और यादो प्रत्यय परे इति परति, इसलिए क्रयार्थे वस्तु निगम्य तब क्रीधातु से यादो प्रत्यय के प्रत्यय वे यांत दश हो जाएगा, ये निपातन हो जाता, यांत क्रियस तदर्थ इति विधौ गौरवात निपातन आश्रितम, यदि यांत क्रिया तदर्थे ऐसे विधि परक बना लेते हम इस सूत्र को, फिर तो गौरव हो जाएगा अनुवृत्ति आदि के कारण से, निपातन आश्रय निपातन आश्रय कर लिया पर सरलता के लिए, क्योंकि एक शब्द का एक रूप सिद्धि करने के लिए अधिकतर सूत्र अलग से नहीं बनाया जाता है, यह एक रूप बनाने के लिए उसे ऐसे निपातन कर दो, प्रक्रिया में जाने की झंझट ही नहीं है, प्रक्रिया के बिना बन जाएगी, विधि बनाने में दिक्कत हो तो वहां पूरी प्रक्रिया पर आना पड़ता है। क्रियार्थत्वंचत्र फलोपदायक विवक्षित, इसलिए क्रियार्थता दो प्रकार की मानी जाती है, क्या क्या दो प्रकार है, फलोपधानता तत्काल फल मिलेगा, बेचेगा पैसा ले मिलेगा, तत्काल पैसा मिलेगा, कई दुकानदार लिखे रहते हैं उधार नहीं चलता, लेकिन लेकर उधार नहीं चलता, मैंने कहा उधार दौड़ता है, तुम्हारे चिंता नहीं हमें, फिर अगला फिर एक हफ्ते के बाद देखा तो न चलता है न दौड़ता है, चले तो क्या फर्क, दौड़ जाए तो और भी अच्छा है ना, अरे चलने का मतलब 1000 रुपये का उधार हो, दौड़ने का मतलब 1,00,000 रुपये का उधार हो जाएगा, समझ के लिखना पड़ता है जो भी लिखेंगे, कोई कोई टेढ़े बुद्धि वाले आए जो मुसीबत खड़ा कर दे, एक घड़ी के दुकान में बालक चला गया और गाय देखा, और माता ने एक घड़ी सिलेक्ट किया तब तो बच्चा देख रहा था, फिर माँ को कहता है नहीं एक दुकान से घड़ी नहीं लेना, पूछो माँ क्या हुआ बेटा, दुकानदार पूछो क्या हुआ, अरे ये इनकी यहाँ घड़ी देखो ना, ये 8 रहा है, 9 बज रहा है, 7 बज रहा है, इनकी घड़ी ऐसे ही ऐसे उठपटांग दिखाते रहते पहले सब तो बंद पड़े रहते हैं ना, कोई काम बंद हो रखा है, बोले अलग अलग टाइम दे रहा है, ये घड़ी का क्या भरोसा है, घड़ी की दुकान है, अरे सब एक टाइम दिखाता हो तो माना जाए, बुद्धि देखो बच्चे की बुद्धि तर्क कैसे हुआ, इसे तुरंत फल देवे बाद में देने वाला, अब गोदाम में है, गोदाम से लाएंगे तब तक खड़ा रहे ना खड़ा रहे, आदमी चला भी जा सकता है, अरे दूसरे देख लेंगे छोड़ते हैं यार है ही नहीं कहां से मंगा के लिए,
इसे फलोपदायक कौन है? जो सामने में है रखा हुआ। और वो कैसे हैं फिर, उनको क्या नाम रखा जाएगा? स्वरूप योग्यता। वे भी स्वरूप धन देने योग्य हैं, वो भी बिकेंगे, वो भी धन देंगे ही, लेकिन तत्काल तो नहीं दे रहे, तत्काल फल नहीं हो रहा है। इसलिए जो दुकान है फैलाया हुआ है इस स्वरूप को फलोपधानता है, और जो गुदा में रखा हुआ है वो स्वरूप योग्य करें। इस तरह से हर वस्तु में समझ लेना चाहिए फलोपधानता और स्वरूप योग्यता, तो दो प्रकार की क्षमता होती है हर वस्तु में। जो प्रसारित है यहां इस वर्तमान दृष्टांत में, दुकान में जो प्रसारित है उसे फलोपदायकता रहती है, और गुदा में रखे वस्तु में स्वरूप योग्यता रहती है। फलोपदायक विवक्षित इत्याह, इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने लिखा क्रेतार इत्यादि क्रयम इत्यंता क्रयम, यहां तक योग्यता मात्र ग्रहण हेतु माने स्वरूप योग्यता मात्र यदि ग्रहण करते हैं तो तदर्थे की अव्यावर्तकम से भाव, तदर्थे का व्यावर्तक कुछ भी रहन रहा ही नहीं। क्रिया कर्मणि अचुयति यत् सारधातु यदि गुण एकार अत्र एकारस्य अच प्रकृतवाद अनेन अयादेश विधि क्रियमन्यात् अन्यत्र मने गृहाद भोजनाद्यर्थम संग्रहितम धान्यादि गोदाम की नहीं ले रहे हैं यहां तो बिल का और सरल कर दिया समझने में आपको, अपने खाने पीने का रखा हुआ गेहूं है उसको कोई बेचेगा क्या? नहीं बेचता, वो क्रय हो गया। अत्र अयादेशो न भवति अरे कृत स्थिति यत् और अत्र अयादेशो न भवति फलोपदान से क्रियार्थत्वस्य तत्र अभावादित्यर्थः, फलोपदानकता रूपा जो क्रियार्थता वो उनमें विद्यमान नहीं है, भले वे स्वरूप योग्य हैं। लोपः शाकल्यस्य रैपादिक सूत्र है 8:3:19, लोपः प्रथमा का एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन। अवर्ण पूर्वयो पदान्ते और यवयोर लोपवासी, अवर्ण पूर्वक पदान्त विद्यमान जो यकार और वकार है उनका विकल्प से लोप होता है अश प्रत्याहार की प्रकृति। यह जो लोप है त्रैपादिक कार्यों की दृष्टि से त्रिपादी वाला होने के कारण से पूर्वत्र असिद्धमिति लोप शास्त्र से असिद्धत्वात्, लोप शास्त्र सिद्ध होने के नाते न स्वर संधि, स्वर निमित्तक जो संधि होना चाहिए वो नहीं, कहा नहीं हो गए, कहा की बात कह रहे हो आप? कहते हरये यह, हरये यह चतुर्थी और अपे रखा हुआ है, हर एक एकार को क्या हुआ ए चयस अयादेश हो गया, यकार कैसे ने क्या कर दिया लोप कर दिया, हर धन यह आद गुण से गुण प्राप्त है उसे यहां पर वृद्ध सिद्धम की आदर अपने निषेध कर दिया। हर ए ही हर ये ही विष्णु यह विष्णव यह श्रिया उद्यत श्रिया युद्यत गुरा उत्क गुरा उत्क श्रिय गुरव अयव का भी दृष्टांत है, ये वो अयव चारों का दृष्टांत है। कानि संति कौस्ता यहां पर भी क्या है असधातु के आकार का लोप हुआ है, असधातु के आकार का लोप हुआ स्वर लोप इत्यत्र अस्तिर अल्लोप से स्थानिवत भावेन यण आवादेश प्राप्त अलोप जो हुआ था उसको स्थानित भाव करने से यण कानिसंति में और कौस्तो में आवादेश प्राप्त था, उसको आपने न पदान दीर्वचन वरे अलोप स्वर सर्वनाश दीर्घ जिष्ठ विश्व सूत्र से निषेध कर दिया। इति सूत्रेण पदान्ति विदौत निषेधात् नास्ता, उनका निषेध होने से आदेश नहीं हुआ। यहां तक देखिए टीका, हरे ये ही विष्णु यह श्रिय उद्यतः गुरौ उत्कः इत्यत्र एचां क्रमेण अय आयावादेशेषु कृतेषु यकार वकारयोर् वैकल्पिकं लोपं विधत्ते लोपशकलसीति। इन चारों दृष्टांतों में एचो यवायावादेश होने के बाद में यकार का और वकार का लोप का वैकल्पिक लोप का विधान करने के लिए ही यह सूत्र आरंभ होता है। भो भगो इत्यतः अपूर्वसीति अशीति च अनुवर्तते, लघु प्रयत्न स्वागतायन
इत्यतः व्योरित्यनुवर्तते वकार या कार्योरित्यर्थ उसका अपूर्वसिति च व्योरित्यस्य विशेषणम्। इसलिए वो भी क्या करेंगे द्विवचन बनाने में प्रणाम करना पड़ेगा, दो है विशेषण हमेशा विशेषानुसार लिंग और वचन हो जाता है, द्विवचन प्रणाम अपूर्व यो हो कर अवर्ण पूर्व यो हो इसने कह दिया गया अवर्ण पूर्व यस्व स अपूर्व अपूर्व से यस्य यस्य चक्ति अपूर्व से यस अपूर्व जो मकार और यकार वस्य यस्य च इति प्रत्येकम अन्वय अभिप्रायम एक वचनम। प्रत्येक के साथ अन्वय करने के लिए आप एक वचन भी अलग रख सकते हैं। पदस्य इत्यधिकृतम अधिकार है वो अवर्ण पूर्वकाभ्याम यकार वकाराभ्याम विशेषतः विशेषणत्वाच्च व्योरिति तदंतता लभ्यते येन विधि तदंत से लागू हो गया। ततश्च अवर्ण पूर्वो यः वकारो यकारश्च तदंत पदस्य लोप स्याद् अशी प्रतीति तदंत पद का लोप हो गया और पूरे पद का जब लोप होने लगेगा अलोंत से कहेगा पदांत के लोप करो अलोंत्य परिभाषया ताज पदांतस्य इति लभ्यते स्पष्ट बोल दिया। शाकल्य ग्रहणात् मतांतर न भवति इति गम्यते विकल्प सूत्र सिद्ध हो गया। शाकल्य के मत में लोप हो अर्थात पाणिनि के आदि अंग के मत में लोप न हो तश्च फलितम्बा सारे अनुवृत्ति आदि समास आदि चिंतन पूर्वक ही वृत्ति बनाई गई है अवर्ण पूर्वयोर पदांत्योर यवयोर वा लोपोशि परे व्योरिति अनुवृत्तोपि वर्ण समामनाय यकारस्य प्राथम्याद् यवयोरित्युक्तम् यद्वि व्यो वकार पहले है पाणिनि का सूत्र में उसके अनुवृत्तियां से पहले वा बोलना चाहिए। हमने यकार वकार और क्यों बोल दिया यवयो कहते वर्ण समामनाय का क्रम को ध्यान में रखते हुए कह दिया। नच शाकल्य वंश्यानाम एव पुरुषाणाम एतल लोपानुसरणम नान्य शब्द पुरुष भेदेन व्यवस्था व्यवस्थार्थम शाकल ग्रहण कुतो न स्याद् इति न वाच्य। नहीं समझना कि सारी दुनिया में सभी लोग विकल्प करें, शाकल्य के परंपरा वाले लोप करेंगे अन्य परंपरा वाले लोग लोप नहीं करेंगे। नित्य लोप है शाकल्य परंपरा वालों के लिए, नित्य लोप अभाव पाणिनि आदि को मानने वालों के लिए ऐसे क्यों नहीं मानते। व्यक्ति व्यवस्था क्यों नहीं कार्य व्यवस्था क्यों दे रहे हो। कहते व्यक्ति यहाँ केवल पूज्यता के लिए ग्रहण होता है, विकल्प का ज्योतन कर ग्रहण होता है, उसके वंश उसके परंपरा आदि ग्रहण करके लिए नहीं है। जैसे हर एक व्यक्ति व्याकरण को मानने वाला चाहे पाणिनि व्याकरण हो चाहे कोई भी व्याकरण को मानता हो विकल्प से रुख कर सकता है। शाकल्य वंशाना मेवा और पक्षी कहता है शाकल्य के जो वंश में पैदा हुए और वे ही लोग पुरुषों को ये तो लोप अनुसरणम वे ही लोग इस लोप का अनुसरण करेंगे नान्य श्याम अन्य लोगों का अनुसरण ना करें। इति पुरुष भेद व्यवस्थार्थम पुरुष भेद से व्यवस्था देने के लिए यहाँ पर शाकल्य से कहीं शाकटायन से ये सब नाम लिए जाते हैं। इति श्री कुतो न स्यात् ऐसे क्यों नहीं कहती हुई थी न च वाच्यम ऐसा मत कहो। नवेति भाषित सूत्र भाषे आचार्य देशशील ने तद विषयता इति प्रस्तुत इको रस्व ज्ञो गालवस्य प्राचाम अवृद्धाद इत्यादि गालवाद्य आचार्य ग्रहण प्राचाम उदीचाम इत्यादि देश विशेष ग्रहण च अविशेषेण विकल्पार्थमेव स्पष्ट कहा है भाष्यकार ने। ये इसका तात्पर्य इनका केवल विकल्प अर्थ में व्यक्ति में कोई हमारा महत्व नहीं है व्यक्ति कथन करने में और उसे पक्ष आदि को लेने में उसे परंपरा को लेने में हमारा कोई ये नहीं है। क्यों करें देखो नवेति भाषा सूत्र में इति सूत्र भाष्य आचार्य देशशील ने आचार्य उनका नाम देश का नाम आदि का जब कथन हुआ हो वहां तद विषयता इति प्रस्तुत्य तद विषयता रहेगी उनके मत वहां पर प्रकट किया जा रहा है ऐसा कह करके इको रसोभ्यो गालवस्य या गालव मत का है प्राचाम अवृद्धात वो आचार्य हो गया ये देश हो गया इत्यादि सूत्रों में गालवादि आचार्यों का ग्रहण करना प्राचाम अवृद्धाचाम इत्यादि देश विशेषों का ग्रहण करना अविशेषेण विकल्पार्थमेव इन सबको जो ग्रहण कर रहे हैं सामान्य रूपेण विकल्प मात्र का बोध कराने के लिए इनको खेस्थान कर विशेष अर्थों की ओर लेके नहीं जाना परंपरा में व्यक्ति विशेष में
उसके चेड़ों में ऐसे कल्पना करना ठीक नहीं, फिर तो संस्कृत बोलने वाले में गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? पहले पूछना पड़े तुम किस परंपरा वाले संस्कृत बोल रहे हो भाई, उन सूत्रों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो उस परंपरा वाला कहाँ का क्या लोप करता कहाँ नहीं करता है सब समझना पड़ेगा, तब उसके वाक्यार्थ हमें समझ में आएगी ना, एक परंपरा कहाँ रह जाएगा पूरे देश में। इसे व्यक्तिगत व्यवस्था व्याकरण में कभी भी पाणिनि ने भले व्याकरण बनाया लेकिन व्याकरण सर्वमान्य, उस व्यक्ति की अपनी कोई कल्पना कोई अपनी मान्यता और उसको पालन करेंगे हम, दूसरे व्याकरण दूसरे ऋषि का पालन करेंगे, ऐसे अनेक परंपराएं व्याकरण में नहीं है, एक ही परंपरा है व्याकरण माने व्याकरण, या पाणिनि व्याकरण का अलग परंपरा होगी, इंद्रिय व्याकरण का अलग परंपरा, उस व्याकरण नौ प्रकार व्याकरण नौ परंपराएं, ऐसा नहीं होता। तभी जाकर के संस्कृत भाषा में एक आज तक अटूट पड़ा हुआ है, जितनी संप्रदाय बनाते जाओ उतना ही टूटते जाएगा भाषा भी। इसलिए व्याकरण में निर्णय लिया हम कोई संप्रदाय नहीं, नौ व्याकरण जो कहा जा रहा काल कालांतर में था आज कहा है पूरे लोग, इंद्र व्याकरण तो देवलोक में कहा हो जाए पढ़ने के लिए, अरे तो उसमें हनुमान जी के व्याकरण भी वो इस काम के उस समय है ही नहीं, इसे झगड़ा ही नहीं, दो व्याकरण हो तब तो झगड़ा हो, अच्छा दूसरी तीसरी बना भी लिया मैंने सारस्वत व्याकरण और उसको तो लोगों ने खंडन कर दिया, कहीं ये माने नहीं। संस्कृत भाषा इसी वजह से तो टिकी हुई है, तो खंड खंड हो जाती है, जैसे हिंदू धर्म सनातन धर्म खंड खंड क्यों हुआ, जितने संप्रदाय बनने का छूट मिला उतने खंड खंड होते रहे, बट गए थोड़े और संप्रदाय वाले आपस में लड़ते रहे। व्याकरण में एक नियत व्यवस्था नहीं बनती है फिर भाषा में, इसलिए इस तरह से व्यवस्था इन्होंने रखा हुआ है, न तो तत्तद वंश तत्तद देश भेदेन प्रयोग व्यवस्थार्थम, तत्तद वंशीय भेद से प्रयोग में भेद हो जाए तत्तद देश के भेद से प्रयोग में भेद हो जाए ऐसी व्यवस्था करने के लिए इनके नाम आदि को नहीं लिया गया है, इति सिद्धांत तत्वात्, ऐसे भाष्यकार ने स्वयं वहां सिद्धांत किया है। ननो हरे ही त्यत्र आयादेशे यकार से लोपे सती ओमांगोष्ठी परूपम स्यात्, परूपम की शंका कर रहा है, विष्णो यह श्रेय उद्यता प्रोत्क इत्यत्र अव आय आवादेशेषो वकार यकार लोपे आदगुणित गुण स्यात्तः पूर्वत्रेति, तब कहने पूर्वत्र सिद्धम से सिद्ध होने के नाते लोप कोई स्वर संधिकारी नहीं होगा, वकार कार्य और लोप से सिद्धत्वेन ताभ्याम एव व्यवहितया अच प्रकृत भावाद आशंकित अत्संधिर न भवति इत्यर्थ, आशय नहीं होती है। तदेव इक संधिर ए संधिश्च निरूपित, इस प्रकार से इक संधि और एच संधि माने अच संधि एक तो पूरी हो गई, इक और एच अच आ गया ना पूरा, तद उभयत्र अति प्रसंगम आशंक्य समागत, लेकिन एक संधि की भी अति प्रसक्ति हो रही है एक संधि की भी अति प्रसक्ति हो रही है, कहाँ कहाँ संति कौस्ता, एक संधि की ऐसी अति प्रसक्ति कहाँ संति में, एक संधि की ऐसी प्रसक्ति कौस्ता में, यद्यपि ऐसा है तथापि इति अध्याहार्य ऐसा अध्याहार कर लेना, यद्यपि है तो तथापि अपना ग्रहण करना पड़ेगा, नित्य दो ये तो दो नित्य संबंध कानि संधि कौस्त इत्यत्र यदि भी यणायावादेशो प्राप्त तथापि न भवत इत्यन्वय, ननवत्र इकारोकार सकार प्रकत्वाद अच प्रकत्व भावाद कथम यणावय अवयो प्राप्ति इत्यतः, ये शंका विकार और अवकार से पर सकार दिख रहे हैं तो संति स्तः अच तो है नहीं, तो कहते देखो अस्तेर अल्लोपस्य स्थानीयत भावे नीति, अस धातु सेवा जो अल्लोप है उसको स्थानीय करने के कारण से यण आवादिश प्राप्ति हो जाती है। क्या हुआ था वहां अल्लोप कैसे हो गया, कहते सुनो अस धातु और आदाधिकात, आदाधिकरण के अस धातु लेना लटी प्रथम पुरुष बहुवचने लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में असधन जी हुआ तो रूप क्या बना कार्य होकर के संतीति रूपम,
प्रथम पुरुष द्विवचन में तो स्थ इति रूपम अस्ति स्थ संति उभयत्रापि श्नसुरलोप इति धात्वादिर अकार से लोप इति धातु के आदिभूत अकार का लोप हुआ दोनों में। तथा अल्लोप से स्थानिवत्वेन अल्लोप का स्थानित भाव करेंगे क्योंकि स्थानीभूत से क्या है पूर्व में कार्य करने जा रहे हैं यह ना और आवादेश इसलिए अचप परसेंट पूर्व दो सूत्र से स्थानित भाव हो जाएगा। तो स्थानित भाव हुआ तो अच्छा दिखेगा। तथा अल्लोप से स्थानीवत्वेन अच्वादि इकार ओकार और अच्परकत्वाद यह नवादिश प्रकृति न चाहिए विधो स्थानीय भाव न संभव थी अल्लोपस्थानीभूत अकार तम परम निमित्तत्वेन आश्रित्य प्रवर्तमान यणावयोर आदेश विध्यो स्थान्यलाश्रित्वाद इति न वाच्यम स्थानिक अलाश्रयभूत विधि है ये स्थानीलाश्रय विधि कर चुके हैं आप स्थानीभूत युवल स्थान अवयव युवल तदवृत्ति अल्पव्याप्यो धर्म तन्निमित्ता के विधौ वही घटा रहे यहां पर स्थानीय भूतल में अल्लोप स्थानीय भूतो अल्लोक स्थानीय भूत कौन है वस्तु अकार है अकार तम परम निमित्तत्वेन आश्रित्य उसी को निमित्त करके आश्रय किया आपने उसमें क्या था अच्तु स्थानीय भूतो अधस्थान अवयव कौन है अकार उस आकार में जो अल्प व्याप्य धर्म कौन था अच्छ धर्म उस अच्छ को मान करके ही तो यण करोगे ऐसे स्थान पर हो जाएगा अलविधि होने के बाद स्थान पर हो जाएगा अल्लोप स्थानी भूत यह आकार तम परम निमित्तत्व आश्रित्य प्रवर्तमान यो प्रवर्त कौन है यण आवादेश विद्यो स्थान यलाश्रित्व स्थान यलाश्रय विधि होने के नाते इति न च वाच्यम अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ यदि स्थानीय भाव उपपत्ते हम उस सूत्र से कर ही नहीं रहे स्थानीय भाव वाल विधि होने के नाते उससे तो स्थान को होगा नहीं हम भी जानते हैं इसलिए हमने किससे किया फिर अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ से किया अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ विधि अल्लोप से इंगिति परे विधियमान से परनिमित्त गजादेश तस्थानीभूता अकारात् पूर्वत्वेन दृष्टियोर इकारोकारयोर यणावादेश विधौ अचवृत्ति प्रवृत्ति भाव उसे कोई रोक सकता उसकी प्रवृत्ति में आसानी से कर देगा। तरि कुतोत्र यणावादेश न भवत फिर यह क्यों नहीं हुआ यणावादेश इततः न पदांते सूत्रेण पदांत विधौ तन्निषेधादिति पदांत भूत इकारोकारयो क्योंकि जो वहां कानी और कौ में क्या है वो पदांत है दोनों ही प्रथमार्थ जो है एक वचन और द्विवचन के रूप है बहुवचन द्विवचन और बहुवचन कहानी है बहुवचन का कौ है द्विवचन का इसे उन रूपों के पदांत होने के अधिकारो कार्यो स्थाने भवतोर यण आवादेशी हो पद चरमावयतया पद के चरमावय होने के नाते तयो कर्तव्य हो परिमित्त अजादेश अल्लोप स्थान निषेधात परिमित्त अजादेश जो अल्लोप है उसको स्थान भाव का विधान किया है इसलिए यण और आवादेश नहीं होगा।